हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रहे हैं कचौरी वाली आलू की सब्जी। कचौरी के साथ इस आलू की सब्जी को खाए जाते हैं, लेकिन ये इतना टेस्टी है कि आप इसको रोटी, पराठा, पूरी, पुलाव या चावल के साथ भी मज़े लेके खा सकते हैं। एकदम चटपटा चटकदार आलू की सब्जी बनाएंगे, वो भी हलवाई स्टाइल में। तो आइए फ्रेंड्स, झटपट रेसिपी देख लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 पीस सूखा लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा। सारे मसाले को स्लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। मसाले से जब अच्छा खुशबू आने लगे तब गैस बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद मसाले को ऐसे दरदरा सा पीस लिए हैं मैंने। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सरसों के तेल, 1 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी के जितना हींग डालेंगे। जीरा अच्छे से चटक गए हैं, अब डाल देंगे 1 मीडियम साइज के पीसी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भुनेंगे। प्याज अच्छे से भुन गए हैं, अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अदरक को प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अदरक भुन गए हैं, अब डाल देंगे 1 बड़े साइज के टमाटर का प्यूरी। टमाटर को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पिसे हुए मसाले में से थोड़ा सा मसाला हम बचाएंगे, इसे हमें बाद में ऐड करना है। मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भुनने के बाद डाल देंगे 1 टीस्पून भर के आमचूर का पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से आलू की सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। मसाले पैन छोड़ दिए हैं, इसका मतलब मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। 4 पीस उबले हुए आलू को हाथों से ऐसे रफली तोड़ लिए हैं, डाल देंगे आलू। आलू को मसाले के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भुनेंगे। 1 टीस्पून चीनी डालेंगे, चीनी सारे मसाले के जो टेस्ट है उसको बैलेंस करेगा। हलवाई भी चीनी डालते हैं, अगर फिर भी आप चीनी डालना पसंद नहीं करते हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। 2 कप पानी डालेंगे, 4 आलू के लिए आराम से आप 2 कप पानी डाल सकते हैं। आलू और मसाले के साथ पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू और मसाले के हिसाब से पहले ही नमक डाल चुके थे, अब डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से नमक। नमक को पानी के साथ मिक्स करने के बाद ढक के मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटाएंगे। बचे हुए जो मसाले थे इसको डालेंगे। डाल देंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। ग्रेवी के साथ मिक्स करते हुए 15 से 20 सेकंड के लिए चलाएंगे, इससे धनिया और मसाले का जो फ्लेवर्स है वो सारे ग्रेवी के अंदर आ जाएगा। गैस बंद करके ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद सब्जी को सर्व करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब आलू के सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ऊपर से डाल दिए हैं थोड़ा सा धनिया के पत्ते। इस आलू के सब्जी को एक बार घर में जरूर बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।